आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। अमरोहा जनपद में एक अचंभित कर देने वाला मामला सामने आया है। हाँ, हम आपको बता दें, अवैध संबंधों में रुकावट बन रही नंद की हत्या उसकी ही भाभी ने अपने दो प्रेमियों के साथ मिलकर कराई थी। पुलिस ने हत्यारी भाभी समेत दो युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अभी तक तीसरा अपराधी फरार है। बीती 10 मई को थाना गजरुला के गांव नौनेर में पुलिस को एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान गांव विजोरा निवासी ठाकुर सिंह ने अपनी पुत्री मोनी के रूप में कराई थी, जिसमें ठाकुर ने बेटी की हत्या की आशंका जताते हुए दो लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने हत्या के खुलासे के लिए टीमें गठित की थी। पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि विवेचना के दौरान अजय, राजीव और लक्ष्मी संदिग्ध पाए गए। एसपी ने बताया कि मोनी लक्ष्मी की नंद थी और लक्ष्मी के राजीव, बाबू और अजय से अवैध संबंध थे, जिसकी भनक मोनी को लग गई थी और मोनी ने इसका खुलासा अपने परिवार के सामने कर दिया था, जिसके कारण लक्ष्मी के पति गौतम का अजय और राजीव से झगड़ा भी हुआ था। इसके बाद बीती 5 मई को परिवार के सदस्य किसी रिश्तेदार के यहाँ मदारीपुर गए हुए थे, तभी लक्ष्मी ने मोनी को खाने में नशीली गोलियां मिलाकर खिला दी थी और बेहोशी की हालत में मोनी को सेंट्रो कार में डालकर नौनेर के जंगल ले गए, जहां हत्यारी भाभी ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर मोनी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और झाड़ियों में फेंक दिया था। जी, थाना गजरौला में 10 दिन पूर्व एक युवती का शव मिला था, जिसकी पहचान भी मोनी के रूप में हुई थी, थाना गजरौला निवासी। इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर पता रजिस्ट्री सुरागसी के लिए टीमें लगाई थी। आज पुलिस ने इसका खुलासा किया है, जिसमें कि मृतका की भाभी और दो युवकों को गिरफ्तार किया है। एक युवक फिलहाल इस मुकदमे में फरार चल रहा है। जो गाड़ी हत्या में प्रयुक्त की गई थी, वो गाड़ी सेंट्रो गाड़ी पुलिस ने बरामद की है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि जो मृतका है, उसने घर पर अपनी भाभी के जो गांव में संबंध थे अन्य युवकों से, उसके बारे में अपने भाई को बताया, जिस पर कि उसके भाई और भाभी में काफ़ी झगड़ा हुआ। इसी रंजिश के चलते भाभी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस युवती की हत्या कर दी और हत्या करके शव को सेंट्रो कार के जरिए जंगल में फेंक दिया था। जब पुलिस ने विवेचना शुरू की, मुकदमा घर वालों ने शक के आधार पर अन्य लोगों को नामित किया, परंतु जैसे विवेचना में जो साक्ष्य आए और जो खुलासा हुआ, उसके आधार पर पुलिस ने इन तीन को गिरफ्तार किया है और एक अभियुक्त अजय अभी फरार है। जी, हत्या का इनका कहना है कि इसकी भाभी ने इसको रात में सोने से पूर्व नशे की दवा सब्जी में मिलाकर दे दी थी, जिसके बाद ये बेहोश हो गई थी और इसको घर वालों को कुछ किसी अन्य कार्यक्रम में बाहर गए थे तो अपने दोस्तों के जरिए इसने उठाकर कार में डाल लिया और वहां से इसने फिर इसे गला दबाकर मारा है और ऐसा पुलिस की जानकारी में आया है। पुलिस ने आगे इसमें कार्रवाई की है, मुकदमा दर्ज कर इन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।